वेलकम टू स्टोरी बॉक्स। तो अब तक हमने देखा था कि शियालिन वापस अपनी हाई स्कूल लाइफ में आ गया है और सोंगयान को अभी कुछ नहीं पता कि क्या हुआ था 10 साल बाद। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। सोंगयान शियालिन को घूरे ही जा रहा था तो शियालिन बोलता है, तुम बहुत शोर मचा रहे हो, ये क्लास की जगह है, यहाँ लोग पढ़ने आते हैं। सोंगयान फिर पूछता है, शियालिन क्या तुम सच्ची में मेडिकल स्कूल जाना चाहते हो? शियालिन बोलता है, तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ यहाँ से? सोंगयान बोलता है, अच्छा ठीक है, अगर तुम यही करना चाहते हो तो मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूँगा, ठीक है, और अगर तुम इधर पढ़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें अकम्पनी करूँगा, ओके? और सोंगयान मन में सोचता है, हाँ आखिरकार मैं एक लॉयल फ्रेंड हूँ, शियालिन पक्का अब अपने आंसू बहाएगा। शियालिन उसका हाथ अपने कंधे से हटाता है और बोलता है, ठीक है तुमने जो कहा मुझे अच्छा लगा, पर मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ और तुम मेरे लिए बस एक वेस्ट ऑफ टाइम हो, समझे? सोंगयान बोलता है, अरे मैं वेस्ट ऑफ टाइम कैसे हो सकता हूँ, वैसे भी मैं सिटी में कितना कमाता हूँ, मैं तो बस इसीलिए तुम्हें अकम्पनी करना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पढ़ो और मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँ। शियालिन बोलता है, पर तुम्हें तभी जोशू आ जाता है, मास्टर्स मैं ड्रिंक्स ले आया हूँ। सोंगयान बोलता है, ओह वेरी गुड जोशू। शियालिन आइस्ड कॉफ़ी देखता है और जोशू से कहता है कि अब से तुम मेरे लिए ऑरेंज जूस लाओगे, ठीक है? सोंगयान पूछता है, क्या तुम्हें तो आइस्ड कॉफ़ी पसंद थी ना सबसे? शियालिन बोलता है, मुझे पसंद थी कि तुम्हें, मैं तो बस जो तुम पीते थे वही पीता था। सोंगयान, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? शियालिन गुस्से में मन में सोचता है, क्योंकि मैं तब बेवकूफ़ था जो तुम्हें पसंद करता था, क्या तुमसे चुप नहीं रह जाता? सोंगयान तभी जोशू और शियालिन के कंधे पर हाथ रख के बोलता है, अच्छा ठीक है चलो हम होटल चलते हैं। शियालिन सोंगयान से बोलता है, मैं सीरियस हूँ सोंगयान, तुम जाओ। सोंगयान, पर मैंने तो सारे ड्राइवर्स भेज दिए हैं। तो मैं तो तुम्हारे संग ही रह सकता हूँ शियालिन, और वैसे भी मैं अपना सारा सामान तो तुम्हारे ही होटल रखाया हूँ, मैंने बोला कि मैं वापस आऊँगा लेने, तो यानी कोई चारा नहीं, मुझे तुम लोगों के संग होटल जाना ही होगा। शियालिन पूछता है, कौन से होटल में? सोंगयान हंसते हुए, ऑफकोर्स तुम्हारे होटल में। तभी शियालिन मन में सोचता है, मैं अपनी पिछली ज़िंदगी में बस सोंगयान पर ही ध्यान देता रहता था, ये बात मेरे घर में सबको पता थी, मेरे भाई को भी, का इसने मेरे भाई से ही पूछा होगा, अगली बार मुझे भाई को बताना होगा कि इसको ना बताया करें कि मैं कहाँ रहता हूँ। फिर सीन चेंज होता है होटल में। सोंगयान पूछता है, आखिर तुम लोग रह कहाँ रहे हो और कितने कमरे लिए? शियालिन बोलता है, मैंने 2 लोगों के लिए एक कमरा लिया है जो कि मैं जोशुओ के साथ शेयर करूँगा, समझे? तभी सोंगयान बोलता है, अच्छा ठीक है। अब वो जोशुओ से कहता है, देखो मैंने अभी एक न्यू सिंगल रूम बुक करा है, ठीक है जोशुओ, तुम्हें मेरे संग रूम चेंज करना है, ओके? जोशुओ वो कार्ड ले ही रहा था कि शियालिन उसे रोकता है, रुको जोशुओ मेरा बॉडी गार्ड है तो तुम उसके संग क्यों चेंज करना चाहते हो? हाँ सोंगयान, अरे कुछ दिनों के लिए तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड मैं बन जाता हूँ। तभी शियालिन चिल्लाता है, तुम्हें मालूम भी है क्या कह रहे हो तुम? तुम और बॉडीगार्ड जोशुओ की मार्शल आर्ट स्किल तुम्हें पता भी है कितनी अच्छी हैं? तुम उससे कंपेयर कभी कर भी पाओगे? तभी सोंगयान बोलता है, ओ अच्छा, यानी कि तुम्हारे पर्सनल बॉडीगार्ड को पंचेज और घूंसे लात मारना सब आना चाहिए, पर मुझे तो लगता है तुम बस अपना एक बॉडीगार्ड शो पीस के लिए रखते हो, है ना? शियालिन मन में सोचता है, हाँ आखिरकार ये सही कह रहा है, जोशुओ मुझे इतने सालों से फॉलो कर रहा है, अब तक ऐसा कोई भी केस नहीं आया जब कभी भी उसे अपनी मार्शल आर्ट्स दिखाने का मौका आया हो, अब मैं इसे कैसे रोकूं? तभी सोंगयान शियालिन को खींचता है, अब छोड़ो मैं वैसे भी अभी ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ और जैसे ही आया हूँ तुम मुझे ऐसे ही छोड़ रहे हो, पता है तुम मेरे संग कितना गलत कर रहे हो शियालिन? अब हम एक कमरे में सोएंगे, ठीक है, वहाँ मैं तुम्हें अपने दोस्ती के किस्से सुनाऊंगा ताकि तुम में जो चेंजमेंट हुए हैं उसे मैं चेंज कर सकूँ, समझे?
वहीं शियालिन जोशुओ को इशारा कर रहा होता है, जोशुओ मुझे बचाओ, इसे रोको। पर जोशुओ समझता है कि सेकंड यंग मास्टर चाहते हैं कि मैं उन्हें और सोंगयान को अकेला छोड़ दूं और उन्हें ज़रा भी डिस्टर्ब ना करूं। ठीक है। और वो दूसरी लिफ्ट में रोते हुए चला जाता है। तभी जियालिन सोचता है, क्या ये बॉडीगार्ड बस मेरे लिए एक शो पीस ही है। तभी कमरे में सोंगयान बेड पर लेट जाता है। आह, मैं तो थक ही गया। जियालिन, तो फिर अपने कमरे में वापस जाओ। और वो मन में सोंगयान को गाली देने लगता है, जाओ तुम यहाँ से, मेरी पढ़ाई और बर्बाद कर रहे हो यहाँ पर। तभी सोंगयान, अरे जियालिन। और वो बहुत क्यूटली बोलता है, क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।